नमस्कार, मैं अपनी आनंद और आप देख रहे हैं अजय भारत। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में आगमन हो रहा है, साथ ही वह विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करते हुए दिखेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल रहने वाला है, साथ ही उनकी स्वागत में क्या सब तैयारी हो रही है। आपको बता दें, 12 जुलाई की शाम यानी कल 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर बिहार विधानसभा में एक बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नवनिर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करने के साथ विधानसभा संग्रहालय और अतिथि गृह की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही मोदी 100 औषधीय पौधे वाले एक उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का भी शुभारंभ करते दिखेंगे। प्रधानमंत्री पटना में विधानसभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर पटना में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा प्रबंध किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर 12 जुलाई को शाम 4 बजे से कोई वाहन बिहार विधानसभा की ओर नहीं जाएगा। विधानसभा के आगे पीछे से जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ।